गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम गॉसेस लॉ के एप्लीकेशंस देखेंगे। उनमें से फर्स्ट एप्लीकेशन लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर। इसका ये कैलकुलेट किया, डिराइव करना है हमारे को इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करना है किसके, ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर। एक स्ट्रेट वायर है और वो इनफाइनाइटली उसकी लेंथ है, इनफाइनाइट लेंथ है और वो यूनिफॉर्मली पूरा या से अगर चार्ज है, मान लेते हैं ये वाला जो है ना ये आपका इनफाइनाइट वायर है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है। अब इस पर आपको जो गॉसेस लॉ है इसको अप्लाई करते हुए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इस वायर के कुछ डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस जैसे मान लेते हैं, उस पर आपको उसको कैलकुलेट करना है। मान लेते हैं कि लैम्डा लाइन चार्ज डेंसिटी वायर के ऊपर है, लाइन चार्ज डेंसिटी जैसे कि पहले में पढ़ा था कि उस कोई एल का कोई वायर है उस पर चार्ज क्यू है, लाइन चार्ज डेंसिटी होगी क्यू अपॉन एल। तो हम यहाँ शुरू कर देते हैं कि पूरा वायर है इसकी एक स्मॉल लेंथ है एल, यहाँ से यहाँ की लेंथ है एल, इस पर चार्ज है वो क्यू है, तो जो लैम्डा इक्वल टू होगा क्यू अपॉन एल हो जाएगा। और ये जो आप ले रहे हैं जो वायर ले रहे हैं, इस वायर को हम ये मान लेते हैं कि किसी एक सिलेंडर के अंदर, इस वायर को हम ये मान लेते हैं कि ये एक सिलेंडर के अंदर प्लेस्ड है, रखा हुआ है ये, और इस तरह से रखा हुआ है कि ये जो वायर है ये सिलेंडर की एक्सिस से निकल रहा है। हम ये जैसे कहते हैं कि कोई सिलेंडर है, इस सिलेंडर के जो दोनों सर्कुलर जो सरफेस होते हैं उनके सेंटर को जोड़ने वाली जो लाइन होती है वो एक्सिस कहलाती है। तो ये एक्सिस है, ये सिलेंडर की लेंथ भी होती है, यहां से यहां तक ये सिलेंडर की लेंथ है, सिलेंडर की एक्सिस है। किसी भी सिलेंडर में तीन सरफेस होते हैं, एक सरफेस तो उसका जो ऊपर का सर्कुलर सरफेस होता है वो ये वाला सरफेस, और दूसरा सरफेस के जो बॉटम का सर्कुलर सरफेस, और तीसरा सरफेस ये चारों तरफ का, उसके चारों तरफ का जैसे ये वाला सिलेंडर, ये सिलेंडर ऐसे रखा हुआ है। तो इस सिलेंडर में से ये वायर यहां से इस तरह से अंदर से इसकी एक्सिस से निकल रहा है। तो ये जो वायर है इस वायर से किसी भी कोई भी पॉइंट ले लो, इस वायर से या एक कोई पॉइंट ले लेंगे, ये चार्ज है, इस चार्ज से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड ई की डायरेक्शन ये होगी, हर समय रेडियल डायरेक्शन होगा। ये जो हमारा वायर है इस वायर से कुछ डिस्टेंस पर कोई डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इस चार्ज से दूर रेडियल डायरेक्शन में होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज विल बी इन रेडियल डायरेक्शन। तो ये जो आपका सिलेंडर है, इस सिलेंडर को जिसके जिससे ये वायर पास हो रहा है इसको हम सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस कहेंगे। तो लेट द वायर इज प्लेस्ड एट एक्सिस ऑफ ए सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। अब यहां पर तीन सरफेस है जिनसे हमारे को फ्लक्स को कंसिडर करना है। पहला सरफेस, तीन सरफेस है जिनसे फ्लक्स को हमारे को कंसिडर करना है। पहला सरफेस है S1, ये राउंड, ये जो आपका सर्कुलर सरफेस है S1, ये दूसरा सर्कुलर सरफेस है S2, और तीसरा सिलिंड्रिकल सरफेस, ये तीन सरफेस है, इनसे हमारे को फ्लक्स निकाल लेते हैं, टोटल फ्लक्स को जोड़ेंगे। तो पहला है आपका ds s1, फर्स्ट सर्कुलर सरफेस ऑफ सिलेंडर, s2 है सेकंड सरफेस सर्कुलर सरफेस, और s3 है सिलिंड्रिकल पार्ट ऑफ है सिलिंड्रिकल पार्ट ऑफ सिलेंडर। फ्लक्स इस पहले सरफेस से कितना फ्लक्स निकल रहा है, तो फ्लक्स फाई विल बी, क्योंकि फ्लक्स की जो डेफिनेशन है वो है फ्लक्स फाई इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस या डीएस, ये हमने डिफाइन किया था फ्लक्स को पहले, फाई इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया, ये इस एरिया से कितना फ्लक्स निकल रहा है वो जो फ्लक्स की जो अमाउंट है वो ये है। तो फाई वन इससे फ्लक्स निकल रहा है, इस पूरे से फाई वन विल बी फ्लक्स थ्रू S1, और फाई टू विल बी फ्लक्स थ्रू S2, एंड फाई थ्री विल बी फ्लक्स थ्रू द
curved part of cylinder. Phylum. Phylum will be E-S. अगर आप देखो पूरा आपका सर्कुलर जो सरफेस है, इस सर्कुलर सरफेस को ऐसे छोटे छोटे स्मॉल सर्फेसेस से बना हुआ बांध है, तो एक सर्फेस से एक सर्फेस ले S1 ES1, इस सर्फेस से फ्लक्स निकल रहा है वो है E.VS1। तो ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में जो टुकड़े हैं इसके, इन सब टुकड़ों से जो फ्लक्स निकल रहा है उन फ्लक्स को जोड़ लें, सम कर लें उनका, तो वो टोटल फ्लक्स इससे निकलने वाला हो जाएगा। तो फाइनल इक्वल टू सिग्मा E.VS1। अब देखें E.VS1 वो क्या होगा, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट होता है TVS cos थीटा, TVS cos थीटा होगा डॉट प्रोडक्ट। तो ये जो आपका TVS cos थीटा है, यहां पर हो जाएगा E.VS1 cos 90 डिग्री का। 90 डिग्री क्यों हुआ, क्योंकि ये आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और जो आपका सरफेस एरिया है वो एरिया वेक्टर हमेशा नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो ये डीएस है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री हो जाएगा एंगल। तो यहां E.VS1 cos 90 डिग्री। सेकंड फाइव फ्लक्स इससे इस सर्कुलर सरफेस से फ्लक्स फाइव टू इक्वल टू फ्लक्स थ्रू S2 सरफेस, एंड दिस विल बी सिग्मा E.VS2। और यहां पर भी ऐसा देखें कि E की डायरेक्शन में है और VS की डायरेक्शन में है, दोनों के बीच में यहां पर भी एंगल 90 डिग्री है, तो सेम पोजिशन जाएगी S1 वाली E.VS2 cos 90 डिग्री। और क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए पूरा 0-0 हो जाएगा। फाइव थ्री यहां देखो आपका सर्किल है, जो सिलिंड्रिकल पार्ट है इसका, इस सिलिंड्रिकल पार्ट पर एक कोई सरफेस DS3 ले लेते हैं, तो यहां पर परपेंडिकुलर DS3, ये DS3 की डायरेक्शन होगी और E की डायरेक्शन रेडियल ही होगी, E की डायरेक्शन रेडियल है, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा E.DS3 और इन दोनों की डायरेक्शन cos थीटा कितना होगा, यहां पर 0 डिग्री, इसलिए E.DS3 cos 0 डिग्री, cos 0 की वैल्यू होती है 1, इसलिए आ जाएगा E.DS3 सिग्मा E.DS3। और क्योंकि E जो है वो सब जगह कॉन्स्टेंट होगा, क्यों होगा कॉन्स्टेंट, क्योंकि ये पूरा जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर की एक्सिस पर आपने ये रख रखा है वायर रख रखा है, तो एक्सिस से किसी सिलेंडर के किसी भी पॉइंट पर जाएंगे आप लाइन ड्रो करेंगे, तो वो जो आएगी वो इस सिलेंडर की रेडियस के बराबर होगी, तो सब जगह यहां किसी भी जगह पर आप ले लो, सब जगह ये डिस्टेंस होगी वो आर होगी, तो डिस्टेंस आर कॉन्स्टेंट है, इसलिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भी कॉन्स्टेंट होगा, क्योंकि यहां से यहां तक का जो चार्ज है उसके अंदर चार्ज भी कॉन्स्टेंट है और डिस्टेंस भी कॉन्स्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कॉन्स्टेंट होगा, इसलिए E को आप सिग्मा से बाहर ले लेते हैं, बाहर ले लिया सिग्मा के अंदर था, इसको बाहर ले लिया, तो E सिग्मा DS3। अब DS3 क्या है, DS3 क्या है, ये जो आपका कर्व पार्ट है ना, कर्व पार्ट इसका एरिया कितना है, तो इस सिग्मा DS3 इस एरिया को हम लिख सकते हैं 2πRL, तो E इंटू 2πRL यह आपका हो जाएगा फ्लक्स φ3। अब टोटल फ्लक्स इससे कितना इन्वॉल्व हुआ, फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, तो टोटल फ्लक्स विल बी φ=φ1+φ2+φ3, मतलब ये जो तीनों सरफेस है ये S1, S2 और S3, इन तीनों से जो फ्लक्स निकलना है उनको हम ऐड कर लेते हैं, तो φ1 कितना है 0, φ2 कितना है 0 और φ3 कितना है E × 2πRL, तो φ3 हो जाएगा E × 2πRL। अब गॉसियन लॉ अप्लाई करते हैं, गॉसियन लॉ क्या है, द फ्लक्स इमर्जिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस इज रेशियो ऑफ चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट,
तो phi equal to q upon epsilon naught, इस phi भी लेंगे, q upon epsilon naught लिख लेंगे, तो e into 2 pi r l, e into 2 pi r l equal to q upon epsilon naught. अब e आपको निकालना है, इस पूरे को दूसरी तरह ले जाते हैं, e equal to q upon epsilon naught और ये हो जाएगा 1 upon 2 pi r l, नीचे आ जाएगा 2 pi r l. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्यू को हम लिख सकते हैं क्यू इक्वल टू लेमड़ा इंटू एल, क्यू इक्वल टू लेमड़ा एल, तो क्यू की जगह हम लिखेंगे लेमड़ा एल अपॉन ये जो टू पाई है, तो आगे लिख देते हैं टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल, यहां पर एल अपॉन एल वन हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास में लेमड़ा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो यह आ जाएगा e equal to 1 upon 2 pi epsilon naught, इसको हम लिख सकते हैं 1 upon 2 pi epsilon naught lambda upon r, lambda upon r. तो ये बताता है कि e is proportional to 1 upon r. अगर हम ये मान लेते हैं कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, ये तो वायर है, ये वायर यूनिफॉर्मली चार्ज है, इसका मतलब या मतलब जो इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो सब जगह समान है, सब जगह जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो एक जैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज कांस्टेंट, देन दिस लैम्डा इज कांस्टेंट, टू पाई इज कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट इज आल्सो ए कांस्टेंट, देयरफॉर ई विल बी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम वायर, ये तो डिस्टेंस है वायर से, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. वेक्टर फॉर्म में इसको लिख सकते हैं E equal to 1 upon 2 pi epsilon naught lambda upon r n cap. What is n cap? N cap is radial unit vector. मतलब ये तो direction है आपकी, ये direction. इस direction में unit vector है n cap. ये n cap. Radial vector की unit vector है.